हेलो फ्रेंड्स, मैं आज को आपको हियर मी ये मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक ताइवानियन लव स्टोरी है। इस स्टोरी में हमारे जो हीरोइन हीरोइन होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को सुन नहीं पाते, फिर भी वो अपने प्यार को कैसे अंजाम देते हैं, ये इस मूवी में हमें पता चलेगा। इस मूवी को मेरे एक सब्सक्राइबर सारस किम, इन्होंने सजेस्ट किया था। अगर इस मूवी पर 1 लाख व्यूज आ जाते हैं, तब इनके लिए हम एक बड़ा गिव अवे करेंगे। ये अब तो इम्पॉसिबल लग रहा है, पर फ्यूचर में ही हो सकता है। आप इसके लिए इस मूवी को लाइक करते रहे। अब कमेंट सेशन में मुझे अच्छी अच्छी सीरीज और मूवीज रिकमेंड करते रहे और उस पर मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन लाता रहूंगा। जो मूवी या सीरीज आपने सजेस्ट की है और उस पर बहुत ही अच्छे से व्यूज आ जाते हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल गिव अवे हम करेंगे। तो चलिए मूवी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस फिल्म के जो नाम है ये ताइवानीज है, तो इसलिए इस मूवी के कैरेक्टर्स को मैं नाम दे दूंगा। हीरोइन का नाम हम डेजी रखेंगे और हीरो का नाम सीट रखेंगे। मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा लीड कैरेक्टर दिखती है। डेजी एक कंपटीशन में आई हुई होती है। अपनी सिस्टर को सपोर्ट करने के लिए वो वहाँ आती है। अपने सिस्टर के वो इमेजेस वगैरह निकाल रही होती है। उसकी जो सिस्टर होती है वो स्विमिंग करना उसे अच्छा लगता है, तो इसीलिए उसकी आज कंपटीशन होती है, उसे वो सपोर्ट कर रही होती है। ये जो कंपटीशन खत्म हो जाती है तो वहाँ सीड आता है। सीड के जो पेरेंट्स होते हैं वो एक रेस्टोरेंट ओन करते हैं और सीड उनके लिए डिलीवरी का काम करता है। इसलिए अब कंपटीशन हो चुकी है, तो डेजी अपने सिस्टर के लिए कुछ खाना वगैरह मंगवाती है। सीड जब वहां पहुंचता है, तब डेजी और उसकी सिस्टर साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। सीड को डेजी देखते हुए पसंद आती है। वो उसके पास जाता है और बॉक्सेस की प्राइस वगैरह कहता है। वो कहता है कि तुम हैंडीकैप्ड हो, यानी कि उसे बोलना नहीं आता, इस वजह से वो प्राइस भी कम कर देता है। डेजी फिर वहां से चली जाती है। वो लेट हो रही होती है। डेजी के सिस्टर के पास वो आता है। सीड उससे पूछता है कि डेजी यहाँ से क्यों चली गई। वो कहती है कि वो इस टीम में नहीं है, उसका काम था, वो जॉब के लिए जाना चाहती थी, इसलिए वो चली गई। जब डिलीवरी करके सीड बाहर आता है, तो किम का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है। अपनी बाइक से वो गिर जाती है, इसलिए उसे कहता है कि मैं अब तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। ये दोनों साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, क्योंकि सीड को साइन लैंग्वेज आती है। इस मूवी जो है, ये जो मूवी है, यहाँ डेजी, सीड और डेजी की सिस्टर, ये तीनों जब हो गए, तो जो सीन वहां आएंगे ये सब साइन लैंग्वेज में होंगे। सीड फिर डेजी को हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है। वो उससे उसका ईमेल आईडी भी पूछता है। वो रात में चैट कर सकते हैं, इसके लिए वो उससे मांग रहा होता है। वो भी उसे उसका ईमेल आईडी दे देती है। जब सीड रेस्टोरेंट में आता है, तब उसकी मदर उस पर चिढ़ रही होती है। डेजी को वो बचाने के लिए गया था, इसी वजह से उसकी डिलीवरी लेट हो चुकी है और इससे उसे डांट पड़ रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि सीड बोल पाता है। उसकी मदर फिर उस पर नाराज होकर उसे कहती है कि जो फूड तुम डिलीवर नहीं कर पाए तो वो पूरा तुम्हें खाना है। जब सीड की मदर उसके फादर के पास आती है, तो उसे कहती है कि सीड अब बड़ा हो रहा है, उसे बहुत सारी चीजें खानी चाहिए। सीड की माँ सीड पर नाराज है, ऐसा उसने प्रिटेंड किया होता है। सीड के लिए बहुत ही केयर करती है। सीड जब खाना खा रहा होता है, वो मोबाइल में होता है। उसकी मदर उसे डांटती है, फिर उसे कहती है कि बहुत सारा खाना तुमने अब खा लिया है, तो तुम्हें इसे बर्न भी करना है। उसे वो एक्सरसाइज करने के लिए बोलती है। वो उसे कहती है कि जब मैं यंग थी, मैं भी स्लिम ड्रीम थी, पर अब मोटी हो चुकी हूँ, तुम्हें अपना ख्याल रखना है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सीड एक जगह जाकर अपने जो पार्सल होते हैं वो सेल कर रहा होता है। खाने का जो डिब्बा होता है वो एक उसने बचा कर रखा होता है। डेजी फिर उसे मिलती है। ये अनएक्सपेक्टेड होता है। सीड फिर उसे पूछता है कि कल मैं ऑनलाइन था, मुझे तुम कहीं नहीं दिखी। वो कहती है कि कल मैं काम कर रही थी, मेरी नाइट शिफ्ट थी। वो फिर उसके फूड के पार्सल के बारे में पूछती है। वो पैक करने लग जाता है। वो कहता है कि हमारा जो रेस्टोरेंट है ये बहुत ही फेमस है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं। वो उसे एक पार्सल फिर दे देता है। ये वो खाती है और इसे बहुत ही पसंद आता है। जब वो पैसे निकालने के लिए लग जाती है, तो ये कहता है कि तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं पैसे देने के लिए, पर ये इंसिस्ट करती है। उसके पास पूरे पैसे भी नहीं होते। फिर वो कहती है कि जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हें पे कर दूंगी। सीड कहता है कि तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है पैसे पे करने की, तुम मेरे साथ मूवी पर आ सकती हो, इससे मैं एक पेमेंट समझ लूंगा। डेजी जो होती है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है, उसे काम करना अच्छा लगता है और बहुत सारे पैसे उसे चाहिए होते हैं, यानी कि वो अपनी बहन को और खुद को सपोर्ट कर पाए। एक्चुअल में उसकी जो सिस्टर होती है वो कम्पीट करने के लिए रेडी हो रही होती है, तो इस वजह से उसे फुल टाइम ये करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो डेजी को काम करना पड़ता है। वो उससे फिर पूछती है कि कितने टाइम की मूवी होगी। वो कहता है कि 2 घंटे, तो डेजी के पास इतना सारा टाइम नहीं होता, तो इसके लिए वो मना कर देती है। सीड अपने रूम में होता है और वो अपने कंप्यूटर पे होता है, अपने मैसेजेस को चेक कर रहा होता है। सीड ने डेजी को भागते हुए दिखा है और उसे लगता है कि ये सी बर्ड्स की तरह भागती है। फिर वो अपनी एक थ्योरी उसे बताता है कि सी बर्ड अपने फेदर से ऑयल छोड़ते हो गए, इसी वजह से वो ज्यादा भीगते नहीं। डेजी जब ये थ्योरी सुनती है, उसे भी ये अच्छा लगता है। वो डेजी फिर अपने सिस्टर के स्टेडियम में उसे बुलाती है।
वो बोलती है कि मूवीज में जाने से ये जरा अच्छा है। डेजी और उसके सिस्टर की जो सिचुएशन है इस सब के बारे में वो सीड को बताती है। डेजी और उसके सिस्टर की जो भी सब सिचुएशन है ये सब वो सीड को बताती है। सीड डेजी को उसके फादर के बारे में पूछता है। वो कहती है कि मेरे फादर अफ्रीका में सर्विस कर रहे हैं, वो वहाँ लोगों की हेल्प करना चाहते हैं इसलिए वो वहाँ गए हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सीड को अब बहाना चाहिए डेजी से मिलने के लिए, तो इसलिए वो एक करी कुक करता है। ये स्पेशल करी वो कुक करता है और उसे देने के लिए जाता है। डेजी फिर जब घर पर आती है तो वो उसे टेस्ट कराता है। डेजी घर में उसे इन्वाइट करती है। सीड जब उसका घर देखता है तो एक बड़ा सा रूम होता है और वहां से सब रूम्स हम देख सकते हैं। वो पूछता है कि ऐसा क्यों है। डेजी उसे कहती है कि हमारे फादर ने हमें एक करने के लिए कहा था, हम डेफ है तो हमें सब कुछ दिखना चाहिए इसलिए मैंने ये किया है। वो घर में जाकर डेजी के सिस्टर के सब मेडल्स वगैरह दिखता है, वो इम्प्रेस्ड हो जाता है। डेजी अपना प्लान उसे कहती है। वो कहती है कि जब मेरी सिस्टर टूर्नामेंट में बहुत सारे मेडल्स लेकर आएगी तब हम अपना जो लोन वगैरह है वो सब चुकता कर देंगे, तब तक मैं मेरी सिस्टर को सपोर्ट करती रहूंगी। डेजी को सीड को पे करना होता है जो भी उसके लिए वो खाना लेकर आता है, तो इसलिए वो एक ड्रॉइंग बनाती है। वहां वो उसके लिए प्राइस लिखती है। सीड कभी भी उसे अपने जो मील होता है उसकी प्राइस नहीं बताता। डेजी को फिर लेट हो रहा होता है तो वो कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। सीड ये देखकर जरा अनकंफर्टेबल होता है और उसके नाक से खून आने लग जाता है। जब डेजी काम पर आती है तब उसके साथ ही सीड आता है। डेजी फिर काम पर आती है, ये जो काम होता है वो एक स्ट्रीट पर खड़ी होती है। वो स्टैचू ऐसा प्रिटेंड करती है और जब लोग उसे पैसे देते हैं तब उनके लिए जरा परफॉर्मेंस करती है। इस स्ट्रीट पर फिर डेजी स्टैचू बन जाती है। सीड को आइडिया आता है। सीड उसे कहता है कि अब तुम स्टैचू बन चुकी हो तो मैं तुमसे बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। हम दोनों को कभी भी ऐसा अकेला टाइम नहीं मिलता, तुम हमेशा बिजी रहती हो इसलिए हम बात नहीं कर पाते, तो मुझे जो भी कहना है वो मैं तुमसे कह सकता हूँ। वो कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम अपने सिस्टर के लिए यह सब कर रही हो, तुम्हारा अपना इसमें कुछ भी नहीं है, तुम्हारा हार्ट बहुत ही अच्छा है। वो डेजी को पसंद करने लग जाता है। सीड स्ट्रीट पर डेजी के साथ ही पूरे टाइम तक रुकता है। जब उसका ये काम खत्म हो जाता है तब ये दोनों खाना खाने के लिए जाने वाले होते हैं। डेजी उसे कहती है कि आज मेरी तरफ से ये ट्रीट है। फिर दोनों एक अलग प्लेस पर आते हैं। वहां आकर सीड एक ऑर्डर देता है, बहुत सारा खाना वो खाते हैं। डेजी कहती है कि बहुत अच्छा आज मुझे खाना मिला है, मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हो चुकी हूँ। ये जो प्लेस होता है ये बहुत ही क्राउडेड होता है, तो यहाँ बहुत सारे कस्टमर वेट कर रहे होते हैं, तो फिर वहां का ओनर आकर उसे बिल दे देता है। डेजी स्ट्रीट परफॉर्मेंस करती है तो इस वजह से उसके पास छुट्टे होते हैं, तो इस छुट्टे से वो पे करने वाली होती है, पर इससे समय जा रहा होता है तो फिर सीड अपने पैसे निकालता है और पे कर देता है। ये दोनों फिर स्ट्रीट में चलने लग जाते हैं और डेजी उस पर बहुत ही चिढ़ गई होती है। वो कहती है कि तुमने पे क्यों किया, आज मैं पे करने वाली थी। वो कहता है कि लोगों को तकलीफ हो रही थी, ये कन्वीनियंट हो इसलिए मैंने पे कर दिया था। उस पर वो चिढ़ गई होती है और वो कहती है कि मैं अपने छुट्टे से पे कर रही थी, इसमें कुछ ज्यादा एम्बैरस होने जैसा कुछ भी नहीं है। सीड को एम्बैरस लगा था और इसी वजह से उसने पे किया होगा ऐसा उसे लगता है। वो कहती है कि इस पैसों को कमाने के लिए बहुत सारी मेहनत मुझे लगी है, तो मैं ऐसे इससे एम्बैरस नहीं हो सकती, लोग मेरे लिए वेट कर सकते हैं। वो सीड से बहुत ही चिढ़ गई होती है तो वहां से वो चली जाती है। जब वो घर पर आती है तब उसकी सिस्टर एम्बुलेंस में जा रही है ऐसा उसे दिखता है। एक्चुअल में उसकी सिस्टर जब घर आती है तब उसके घर में आग लग जाती है। उसकी सिस्टर सो गई होती है और वो खुद सुन भी नहीं सकती, तो इसी वजह से वो जो स्मोक होता है वो उसके नाक में चला जाता है, इसी वजह से वो बेहोश हो जाती है। लोग उसे बचा लेते हैं और एम्बुलेंस में वो हॉस्पिटल में आ जाती है। डेजी भी उसके साथ हॉस्पिटल में आती है और फिर वो कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे जल्दी घर आ जाना चाहिए था। डेजी की सिस्टर कहती है कि तुम्हें इसकी वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। डेजी का मेकअप अभी भी जरा ऑन होता है तो कहती है कि घर जाओ, जरा आराम करो, तुम बहुत ही स्ट्रेस लेती हो। डेजी कहती है कि अगर मैं घर पर होती तो ये आग नहीं लगती, अगर और कुछ बुरा होता तो मैं तुम्हें खो देती। फिर ये दोनों सिस्टर्स एक दूसरे को हग करते हैं और यह एक मोमेंट उनका शेयर होता है। डेजी की सिस्टर अब हॉस्पिटल में है तो डेजी कोच के पास जा रही होती है। वहां डेजी की जो टीममेट्स होती है वो बातें कर रही होती है, फिर वो सुनती है कि क्या उसकी टीम में डिस्कस कर रही है। वो बोल रही होती है कि डेजी अब ज्यादा रिकवर नहीं कर पाएगी, उसका स्टेमिना अब उतना नहीं रहेगा, तो हमें उसके स्कोर मेकअप करने पड़ेंगे। कह रही होती है कि डेजी की सिस्टर को पता नहीं चलना चाहिए कि वो अच्छे से अब कम्पीट नहीं कर पाएगी, पर ये डेजी सब सुन लेती है। डेजी जब उसके सिस्टर से मिलने आती है तो उसके सिस्टर उसे कहती है कि कोई भी वरी मत करो, मैं अब जल्दी ठीक हो जाऊंगी और फिर से प्रैक्टिस में चली जाऊंगी।
कोच ने भी मुझे कहा है कि मैं एक टाइम ऑफ ले सकती हूँ क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सिड से अब डेज़ी बात नहीं कर रही, इस वजह से सिड अब बहुत ही तनहा महसूस कर रहा है। उनकी डेट जहाँ हुई थी उसी रेस्टोरेंट में वो आ जाता है। उस रेस्टोरेंट में जो ओनर होता है वो उसकी वाइफ से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि ये लड़का उसके गर्लफ्रेंड के साथ आया था, वो बहुत ही प्रीटी थी पर वो सुन नहीं सकती, ये बहुत ही शेमफुल है। सिर्फ फिर उन पर चिढ़ जाता है और कहता है कि वो सिर्फ बात नहीं कर पाती और उसकी भाषा वैसे भी सुनकर कुछ बात करे ऐसी नहीं है, वो साइन लैंग्वेज से परफेक्टली फाइन बात कर सकती है। सिर उदास होता है और बर्तन मांज रहा होता है। उसके फादर उसके पास आकर बैठ जाते हैं। उसके फादर उसे पूछते हैं कि तुम खाना लेकर जाते थे, वो आजकल नहीं लेकर जा रहे हो? वो कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। उसे डाउट हो रहा होता है कि उनका कभी रिलेशनशिप थी भी या नहीं। उसका फादर फिर उसे समझाने के लिए कहते हैं कि मैंने भी बहुत ही रिजेक्शन सहे हैं, 23 टाइम मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। सीढ़ी सुनकर बिलीव नहीं कर पाता। उसके फादर फिर उसे कहते हैं कि जब तुम्हारी मदर मुझे मिली तो वो परफेक्ट थी, वो बाहर से बहुत ही स्ट्रांग है, किसी को भी कुछ भी बोल देती है ऐसा हमें लगता है, पर उसका हार्ट बहुत ही अच्छा है। उसके फादर उसे पूछते हैं कि जिस लड़की को तुम डेट कर रहे हो वो कैसी है, तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद आती है? सिर फिर बोलता है कि अगर जिस लड़की को मैं पसंद कर रहा हूँगा वो अगर डेफ होगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसके फादर उसे कुछ भी नहीं बोलते और जब रात होती है तब उसके फादर और उसकी मदर ये दोनों बात कर रहे होते हैं। उसके फादर उसकी मदर को कहते हैं कि जिस लड़की के पैर में सीढ़ है वो सुन नहीं पाती। उसकी मदर ये देखकर जरा डिस्टर्ब होती है, ये वो इमेजिन नहीं कर पाती या एक्सेप्ट करने के लिए वो रेडी नहीं होती। सिड के फादर उसे समझाते हैं कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, लोगों के लिए बहुत ही ख्याल करती है, ये बहुत ही अच्छी लड़की है। सिड नहीं, ये सब बातें उन्हें कही होती है। सिड बहुत ही उदास होता है तो उसकी मदर से ये देखा नहीं जाता। उसे ऊपर से नीचे बुलाती है और बहुत सारे पैसे उसे देती है। उसे कहती है कि जरा सा तुम चीयरअप हो जाओ, उसे कहती है कि अपने लिए तुम ये स्पेंड करो, जरा चीयरअप हो जाओ, जरा एंजॉय करो। फिर सिड हमें दिखता है कि डेजी के घर पर वो आया हुआ होता है। डेजी के घर के बाहर आकर वो नॉक करता है, उसके लिए उसने कुछ खाना लाया होता है पर वो उसे अब इग्नोर कर देती है। सिड उसके लिए एक गिफ्ट रख कर वहां से चला जाता है। सीबर्स जो होते हैं उनके आकार का उसने उसके लिए गिफ्ट लाया होता है। डेजी को एक गिफ्ट मिल जाता है। सिड अपने रूम में होता है और चैट्स पढ़ रहा होता है। वो बहुत सारे मैसेज उसे करता है, इसमें लिखा होता है कि क्या तुम ही सिर्फ गुस्सा कर सकते हो, मुझे गुस्सा नहीं आता, पर वो इसमें इतना सीरियस नहीं होता। वो उसे सफाई भी देता है कि मेरा उतना ऐसा मतलब कुछ भी नहीं था, तुमने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया है। अब नेक्स्ट सीन में हम दिखते हैं कि डेजी की जो सिस्टर होती है वो उतना ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही, इसीलिए वो शॉवर में रोने लग जाती है। जब डेजी उसे मिलने के लिए आती है तब उसकी सिस्टर और उसके फ्रेंड सब खाना खाने के लिए जाने वाले होते हैं, तो फिर वो डेजी से कहती है कि तुम जाओ मैं बाद में आऊंगी। डेजी उसके लिए रुकने वाली होती है, उसकी सिस्टर उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना चाहती। डेजी जरा हर्ट हो जाती है। जब वो घर पर आती है तब सिड ने एक ट्री लाई होती है, ये जो ट्री होती है इसके बीच में वो घुस जाता है। वो फिर डेजी को मैसेज सेंड करता है और कहता है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, इससे एनिमल भी मर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा एपोकलिप्स आ सकता है, तो इसलिए प्लीज मुझे तुम अपने घर में लेकर आओ। फिर डेजी उसे कहती है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि तो हमारी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाएगी, अगर मुझे एपोकलिप्स रोकना ही नहीं होगा तो क्या? ये कहकर फिर वो घर में चली जाती है। जब बहुत रात हो जाती है तब लेट उसकी सिस्टर वहां आती है। सिस्टर ड्रंक होकर घर पर आई हुई होती है। डेजी उसे कहती है तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारा प्रैक्टिस का क्या, अभी अभी तो तुम रिकवर हुई हो, तुम इसे पानी में क्यों डाल रही हो? उसे कहती है तुम्हारे ड्रीम्स को तुम ऐसे दबा नहीं कर सकती। उसकी सिस्टर उसे कहती है कि तुम मेरा ड्रीम चुरा रही हो, तुम मेरी केयर करती हो, मेरे लिए ही जीते हो, तुम्हारे ड्रीम का क्या, तुमने अपने ड्रीम को मेरे ड्रीम में शामिल कर लिया है, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे लिए मेडल्स नहीं ला पाऊंगी, फिर क्या होगा, तुम्हें अपनी लाइफ जीनी चाहिए, अपने बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। डेजी अपनी सिस्टर को बैठाती है और कहती है कि जब हम दोनों छोटे थे तो तुम्हारे क्लासमेट जब तुम्हें मारते थे तब तुम सहन कर लेती थी, जब मेरे क्लासमेट मुझे बुली करते थे तब उनसे तुम झगड़ जाती थी, उन्हें तुम मारती थी, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। वो उसे कहती है कि नेक्स्ट जन्म में भी अगर मुझे चॉइस मिली तो मैं तुम्हें ही मेरी एज ए सिस्टर पाना चाहती हूँ। रात में सिर्फ डेजी को मैसेज करता है और कहता है कि हम सुन नहीं पाते, इसी वजह से क्या हमारी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होगी? डेजी इसका जवाब नहीं देती। नेक्स्ट डे डेजी और उसकी सिस्टर एक म्यूजियम में आते हैं। डेजी जरा खोई खोई सी उसके सिस्टर को लगती है।
डेजी की सिस्टर उसे कहती है कि क्या तुम्हें याद है मॉम तुम्हें वाटर बर्ड बुलाया करती थी। डेजी कहती है कि एक लड़का है वो भी मुझे वाटर बर्ड कहता है। वो उसे कहती है कि क्या ये सीढ़ी है। वो फिर उसे कॉम्प्लीमेंट करती है। वो कहती है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। डेजी उसे कहती है कि मैं उसे डेट नहीं करूंगी। वो सुन नहीं पाता। इस मूवी में जब डेजी और सीड की जो भी कन्वर्सेशन हुई थी ये साइन लैंग्वेज के थ्रू ही हुई थी और इसे पता नहीं है कि सीड बातें भी कर सकता है। डेजी की सिस्टर उसे पूछती है कि क्या तुम उसे लाइक नहीं करती। फिर डेजी कहती है कि हमेशा उसके बारे में ही सोचती हूँ। डेजी की सिस्टर उसे बोलती है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बीच में जो सिचुएशन है वर्कआउट नहीं हो पाएगी क्योंकि वो सुन नहीं पाता, पर ये सही नहीं है। तुम्हारे लाइफ में मैं ही तुम्हारा सब अटेंशन लेकर जा रही हूँ। मुझ पर तुम बहुत ही टाइम इन्वेस्ट करती हो। तुम्हें अब मुझे इंडिपेंडेंट होने देना चाहिए। कभी ना कभी तो तुम्हें मुझसे दूर जाना ही पड़ेगा और मैं हमेशा के लिए कम्पीट नहीं कर पाऊंगी। तो तुम्हें अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। मैं भी परफेक्टली कैपेबल हूँ जो अपने बारे में सोच सकती हो। एक सीन में हमें दिखता है कि सीड अपने रेस्टोरेंट में आता है। उसके मदर फादर जो होते हैं उनके पास एक इन्वेलोप आया हुआ होता है। ये डेजी का इन्वेलोप होता है। सीड जब डेजी के लिए खाना लाता है तो डेजी ने जो भी खाना खाया होता है उसका सब बिल इस इन्वेलोप में होता है। जो स्केचेस उन्हें बनाए होते हैं वो भी इसमें होते हैं। उसके मदर एंड फादर फिर कहते हैं कि जाओ उसे तुम फिर से पालो। वो कहता है कि इसमें पॉइंट क्या है, तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। इसके मदर और फादर फिर कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द साइन लैंग्वेज सीखनी चाहिए। ये दोनों रेडी होते हैं एज अ डॉटर इन लॉ उसे स्वीकार करने के लिए। सीड भी इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और उसे पाने के लिए जल्दी जल्दी भाग कर जाता है। डेजी अपने सिस्टर के स्विमिंग पूल के यहाँ होती है और सीड फिर वहाँ जाता है। डेजी दूसरी तरफ देख रही होती है। फिर सीड उसे कहता है कि मुझे मेरी मदर और फादर से तुम्हें मिलवाना है क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हमें रहना चाहिए, ये उसे यहाँ जताता है। डेजी जब उसे देखती है तब ये साइन लैंग्वेज में बात करता है। वो कहता है कि मेरे फादर और मदर से तुम्हें मिलवाना है। वो पूछते हैं कि क्यों। वो कहता है कि मेरे रेस्टोरेंट में मैं तुम्हें जॉब देना चाहता हूँ। ये और ही कुछ बोल देता है। उसे जो बोलना होता है ये बोल नहीं पाता। वो पूछती है कि मदर और फादर से फिर क्यों मिलवाना चाहते हो। वो कहती है कि मैं सुन नहीं पाती, इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। वो कहता है कि जब तुम्हारा हार्डवर्क देखेंगे तब उन्हें पता चल जाएगा। वो फिर उसे अपने रेस्टोरेंट में लेकर आता है। सीड के मदर एंड फादर जो होते हैं वो डेजी को देखकर बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। डेजी से बात करने के लिए उन्होंने कार्ड्स बनाए होते हैं जिस पर उन्होंने लैंग्वेज में लिखा होता है जिससे उससे बात कर सकते हैं। वो डेजी को वेलकम करते हैं और कहते हैं कि सीड और तुम बहुत ही एक जैसे हो। वो भी लोगों के लिए केयर करता है, वो भी कंपैशनेट है, वो भी हार्ड वर्किंग है। तुम जिस तरह से अपनी सिस्टर से प्यार करती हो उसी तरह से वो हमसे प्यार करता है। इस क्वेश्चन में वो उससे पूछ लेते हैं कि क्या तुम सीड से शादी करोगी। सीड भी डर जाता है। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी क्या बोल रहे हो, मैंने उससे अभी तक कुछ भी नहीं पूछा है, मुझे पता भी नहीं कि मुझे लाइक भी करती है या नहीं। और फिर डेजी हाँ बोल देती है। ये साइन लैंग्वेज में बात नहीं करती तो अपने मुंह से बात कर रही होती है। ये देखकर वो सब तंग रह जाते हैं। सीड फिर बोलता है कि तुम सुन सकती हो। वो कहती है कि तुमने कभी मुझे पूछा ही नहीं और जब भी हम बात करते थे तब साइन लैंग्वेज में ही करते थे, इसलिए उसने सीड को नहीं बताया था। वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू करते हैं और फिर सीड के रूम में वो दिखाई देते हैं। डेजी सीड से पूछती है कि तुम्हें साइन लैंग्वेज कैसे आती है। वो कहता है कि मेरा एक टीचर था, उसने मुझे पूछा था कि तुम्हें इसमें क्या इंटरेस्ट है तो मैंने हाँ कर दिया था, तो इसी वजह से उसने मुझे सिखा दिया था। वो कहती है कि तुम्हारी साइन लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है। सीड कहता है कि जब मैं तुम्हें मिला था उसके बाद मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। डेजी कहती है कि मुझे फर्स्टली ये साइन लैंग्वेज अच्छी नहीं लगी थी, पर मेरी सिस्टर के लिए मैंने ये सीखी थी। जो साउंड हमारे आसपास होते हैं तो उसे महसूस होने चाहिए, यह मैं उसे नरेट कर कह सकती हूँ, इसलिए मैंने ये साइन लैंग्वेज सीखी थी। सीड कहता है कि मैं रिलेट कर सकता हूँ। वो कहता है जब बारिश हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि इस बारिश की आवाज तुम सुन सको, यह लॉन्गिंग की आवाज होती है। सीड फिर डेजी के रूम में बहुत सारे सीवर्ड देखता है तो कहता है कि इतने सारे तुम्हारे पास क्यों है। ये जो सीवर्ड्स होते हैं इसमें पैसे रखे होते हैं। तो वो कहती है कि जब भी मुझे तुम्हारी याद आती थी तो मैं इसे पैसे डाल देती थी। उसे उसकी बहुत ही याद आई हुई होती है और इसी वजह से बहुत सारे सीवर्ड्स भर चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि डेजी की सिस्टर के पास डेजी और सीड आते हैं। डेजी की सिस्टर डेजी को कहती है कि अब मैं ट्रेनिंग छोड़ देने वाली हूँ। वो कहती है कि अभी मैं ज्यादा अच्छे से कम्पीट नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैं नेक्स्ट साल कम्पीट करने वाली हूँ। तब तक मैं एक जॉब ले लूंगी जिससे मैं सेव कर पाऊंगी और फाइनेंशियली प्रोवाइड कर पाऊंगी, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ डेजी को सिस्टर को बोलता है कि मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। वो उसे कहता है कि जब तुम कम्पीट करोगी तब तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हम आएंगे। वो फ्लैग वेव करने लग जाता है।
फिर हमें दिखता है कि 4 साल गुजर चुके हैं। सिड और डेजी अभी भी साथ है और उसके सिस्टर के टूर्नामेंट के लिए वो आए हैं। वो उसे चीयर करते हैं और डेजी की सिस्टर इस टूर्नामेंट में जीत भी जाती है। मूवी के लास्ट में कुछ लाइन्स हमें दिखाई गई है और इसमें कहा गया है कि प्यार और ड्रीम्स ये एक मिरेकल होते हैं। इन्हें किसी को भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को बोलकर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिएगा।